हेलो एंड बैक माय चैनल अगेन। सो गाइस, आज की जो है मैं आपके साथ एक प्रॉपर आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज जो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मेरी खुद की पर्सनल रेसिपी एक शेयर करनी थी मुझे आइसक्रीम की, इसलिए मैंने आपके साथ ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। सो आज जो है ना, मैंने ऑलरेडी पूरी प्रिपरेशन करके रखी है, क्योंकि ब्लॉग जो है मैंने ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, बहुत लेट हो गया है मुझे, क्योंकि ये मैं आज इसको जो है जमने के लिए रखूँगी, तो कल इसको जो है यूजुअली हम लोग खा सकते हैं। तो मैं अपना जो मेजरमेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, एक चीज़ मैंने आपके साथ जो है मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी, वो है ये यहाँ पे मैंने जो है मैंगो का पल्प ऑलरेडी बना के रखा है। अब ये मैंगो के पल्प में मैंने क्या क्या ऐड किया है बता दूँ आपको। मैंने जो है ना डेढ़ आम लिया था, यानी एक पूरा आम का इस्तेमाल किया है, एक आधा आम लिया है, जिसके अंदर मैंने एकदम गाढ़ी वाली जो दूध की मलाई होती है, जो दूध गर्म करने के बाद हमें बेसिकली मिलती है रखने के बाद, तो आप समझ लो 2 से 3 टेबल स्पून जो है मैंने मलाई के लिए, ठीक है, इसके बाद 2 टेबल स्पून भरकर जो है, 2 से 3 टेबल स्पून जो है भरकर मैंने इसमें चीनी डाला, ठीक है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, यानी आधा या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आप समझ लो पानी ऐड किया, और उसी तरीके से जो है एकदम थोड़ा सा जो है तकरीबन आधे से भी थोड़ा कम मैंने इसमें दूध डाल दिया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को एक साथ डाल के एकदम गाढ़ा गाढ़ा जो है मैंने पेस्ट बना दिया है आइसक्रीम के लिए। इसके अलावा जो आधा आम जो बचा था उसके मैंने ऐसे पीसेस कट करके रखे हैं, ताकि हमें आइसक्रीम में थोड़े से मैंगो के चंक्स नहीं मिले। ये वाला जो पल्प है, इसको आप ऐसी ही रोटी वगैरह के साथ भी खा सकते हो, ये बहुत यमी लगता है। अगर आपको इस तरीके से शेक बनाना है, तो आप इस तरीके से भी शेक बना सकते हो। ये बेस है मैंगो का, जिसको आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप जो है व्हिपिंग क्रीम। सो ये व्हिपिंग क्रीम जो है चिल्ड व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ। जितना हो सकता है उतना मैं चीज़ों को जो है कोट कर लूँगी, यानी पूरा साफ करके लेना है, वेस्ट नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। तो ना ये जो मैं व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ, इसमें कोई बर्फ़ नहीं है, बट ये मेक श्योर करना है कि ये अच्छी खासी ठंडी होनी चाहिए, इसमें बर्फ नहीं होना चाहिए। अभी मैं इसको जो है एकदम सॉफ्ट पिक्स जो है आने तक इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेती हूँ। गाइस, यहाँ पे देख लीजिए इसकी क्वांटिटी जो है ये डबल हो गई है, बट ये आप देख सकते हो मैंने ना यहाँ पे स्टील वाला लिया है, बिकॉज मेरे पास बड़ा सा कोई कांच का बाउल नहीं है अभी हाल फिलहाल। तो ये आप देख सकते हो इसकी क्वांटिटी जो है हमें डबल करनी है, ठीक है, बट मतलब आप समझ लो एक सॉफ्ट पिक्स आने चाहिए, बट जैसे हम केक के लिए करते हैं वैसे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा खासा सॉफ्ट हो गया है, मैं स्पैचुला ले लेती हूँ। तो मेरा अवतार देख के आप घबराइए नहीं, क्योंकि मैं घर में इसी तरीके से रहना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने मिल्क मेड लिया है, तो ये मिल्क मेड जो है ना मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि आइसक्रीम में जो है एक क्रीमी टेक्सचर, ऑलरेडी हमारा ये क्रीम से क्रीमी टेक्सचर आएगा, बट इसके अंदर से जो रिचनेस आती है ना, जो आइसक्रीम में रिचनेस आती है, लाइक बाजार वाली मार्केट वाली जो आइसक्रीम्स होती है उसमें आप देखोगे एकदम रिचनेस रहती है, एकदम सॉफ्ट रहता है वो आइसक्रीम, बर्फ़ वाला जो टेक्सचर होता है वो नहीं होता है। तो बिल्कुल उस तरीके से ये जब हम यूज़ करेंगे तो इससे हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा मिल्क मेड ऐड कर रही हूँ, आप समझ लो 1 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून, या फिर आप समझ लो 2 से भी कम, क्योंकि ये मेरे पास थोड़ा सा ही रखा है, तो मैंने सोचा मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। मैं यूजुअली मिल्क मेड टिन्स लेकर आती हूँ घर में, मेरे हमेशा अवेलेबल होता है, तो मैं एक बार फिर से इसको चला लेती हूँ। गाइस, अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये हो गया है हमारे आइसक्रीम का बेस, एंड आप देख सकते हो मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेती हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट होपफुली दिखना तो चाहिए। ये देख लीजिए ये कितना सॉफ्ट हो गया है, और ये जो है हमारे प्रॉपर आइसक्रीम का जो है बेस बनकर रेडी हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर ना आप बहुत सारे फ्लेवर्स बना सकते हो, जैसे कि अगर आपको इसमें बनाना है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तो आप स्ट्रॉबेरी का लाइक कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये बेस है, ये बेसिकली हम जब भी आइसक्रीम बनाते हैं, और लाइक आप समझ लो आपको मार्केट जैसे आइसक्रीम बनाना है, इस तरीके से आप बेस बना लो, और आपको जो फ्लेवर्स की आइसक्रीम बनाना है आप बना सकते हो। इसके अंदर जो है मैंने यूजुअली मोस्ट ऑफ जो है मैंने खुद के घर में जो है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मैं मोस्टली बनाती हूँ, मोस्टली मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है तो मैं स्ट्रॉबेरी बना देती हूँ। इसके अलावा आप ओरियो बना सकते हो, घर बैठे बैठे आप ओरियो बना सकते हो, अगर आपके पास बेल्जियन चॉकलेट अवेलेबल है तो आप वो भी इससे बना सकते हो। तो ये बेस जो है ना, ये बहुत काम की चीज़ है,
कुछ नहीं करना है, सिर्फ व्हिप क्रीम लेना है और इसके अंदर जो है आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आपको मिल्क मेड ऐड करना है और इसको एकदम सॉफ्ट फ्लिक्स आने तक जो है इसको अच्छे तरीके से बीटर की हेल्प से इसको फेड लेना है। बस आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप इसका बेस बना रहे हो आपका जो व्हिप क्रीम है उसके अंदर जो है आइसिस नहीं होनी चाहिए, यानी बर्फ़ नहीं होनी चाहिए। आपका जो व्हिप क्रीम है वो बर्फीला टेक्सचर नहीं होना चाहिए, बट ये मेक श्योर करना है आपको कि आपका व्हिप क्रीम काफ़ी ज़्यादा चिल्ड होना चाहिए, ठीक है, यानी फ्रिज में रखा हुआ होना चाहिए बेसिकली। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने यहाँ पे ना, अभी मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा मिल्क मेड नहीं ऐड किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये जो पल्प मैंने बनाया है यहाँ पे, इसके अंदर हमने ऑलरेडी बहुत सारा जो है आम मतलब आम भी थोड़ा सा मीठा था, इसके अलावा शक्कर भी मैंने ऐड की है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अभी कम किया है। तो मैं ये ऐड कर रही हूँ, वैसे मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है तो मुझे जितना लगेगा मैं उतना ऐड करूँगी यहाँ पे। फिर से फेंट लेती हूँ, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा फेंटने की भी नीड नहीं पड़ेगी, बस ये घुलने मिले तक। एंड इट्स डन। हाँ मजा आ गया। ये सारी चीज़ें मैं पहले हटा देती हूँ और इसको सेट करने के लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। चलो तो गाइस ये तो मैंने सब यहाँ से हटा दिया है, अभी मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है जो मेरे पास खाली कंटेनर पड़ा था, तो ये आइसक्रीम जो है मुझे तो नहीं लगता है इसमें बैठेगी क्योंकि ये छोटा है। इसके अंदर जो है मैं अभी हाल फिलहाल ऐड कर रही हूँ आधा कप दूध। अब ये जो दूध है ना ये ठंडा दूध है, ठीक है, ना ये गर्म है ना ये कच्चा है, ये पकाया हुआ ठंडा दूध है। ये दूध को जो है मैंने पहले ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे इसको जो है बाद में ऐड करना था। अभी इसको हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे और ना ये तरीके से बनाने के बाद आपको आइसक्रीम को दोबारा से फ्रिज में से निकाल के उसको फिर से फेंट कर आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ एक ही बार आपको बनाना है और एक ही बार इसको फ्रिज करना है। बस कोशिश कीजिएगा कि इसको थोड़ा ज्यादा टाइम तक आपको फ्रिज करना है या फिर आप ओवरनाइट कर लीजिए, अच्छे से 7 घंटा कर लीजिएगा। अच्छा अब इसके अंदर ना मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया है, अगर क्योंकि मुझे इसको जो है नेचुरल कलर में ही रखना है। अगर आपको इसके अंदर ऐड करना है कोई कलर, आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा येलो कलर दिखे तो आप जो है इसके अंदर येलो कलर ऐड कर सकते हैं। सो अभी मैं इसमें से थोड़े से जो है आम के पीसेस डाल के इसको मिक्स कर देते हैं और थोड़े से मैंने रखे हैं क्योंकि मुझे ऊपर से डालना है, ठीक है। आप देख सकते हो एक कप दूध, एक कप आप जब मिल्क सॉरी एक कप आप जब क्रीम लेते हो ना तो एक कप क्रीम में आपकी 1 लीटर के आसपास आइसक्रीम बन जाती है, ठीक है। तो आइसक्रीम वाले काफी ज्यादा लूटते हैं आपको। ये मैं भी इस कंटेनर में डाल देती हूँ, ये देख लीजिए कितनी सॉफ्ट है। हाय थोड़ी सी मुझे इसमें जमानी होगी और थोड़ी सी मुझे कहीं और जमानी पड़ेगी बिकॉज ये आएगी नहीं इसमें। इसको कर लेते हैं एक बार टैप। टैप करने का रीजन सिंपल, आपके आइसक्रीम्स में एयर बबल्स नहीं होना चाहिए इस। तो अभी ये जो पल्प मैंने बचाया था थोड़ा सा, ये पल्प मैं इसके ऊपर से इस तरीके से पोर कर दूंगी, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा। अगर आप चाहते हो कोई डिजाइन वगैरह बनाना तो आप वो भी बना सकते हो, मैंने बस ऐसे ही पोर कर लिया है, बट अगर अभी आ ही गया है डिजाइन का कुछ तो करना चाहिए। सो आई डोंट नो कि क्या बनेगा इससे, इस तरीके से तो कुछ बनने से रहा। और
ये देख लीजिए, आपने घर में ही बैठे बैठे कितनी अच्छी आइसक्रीम बनाई। अब ये सिर्फ ये जाएगी सीधा सेट होने के लिए फ्रिज में, और जब ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगी ना, उसके बाद मैं आपको शो करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरीके का एल्युमिनियम फॉइल, जिससे मैं ये पूरा आइसक्रीम जो है कवर कर दूंगी। और इसको भी रखते हैं हम लोग सीधा फ्रिज में, और मैं कल मॉर्निंग में जो है इसको सीधा ओपन करूंगी। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं ये सारी चीज़ों को जो है। मैं दूसरे वाले बाउल देखती हूँ अभी क्या है, उसमें भी डाल देती हूँ, और आपको जो है वीडियो कंटिन्यू करूँगी कल मॉर्निंग में, एंड बताऊँगी कि किस तरीके से हमारा आइसक्रीम जमा है और कितना इसका टेस्ट बेटर हुआ है। हेलो एंड वेलकम बैक टू श्रेया दीप अगेन। सो गाइस, कल का जो ब्लॉग है ये मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं मॉर्निंग में बताऊंगी कि ये आइसक्रीम जो है कैसी जमी है एंड कैसी लग रही है। वैसे जो ये डब्बा आप देख रहे हो, इसमें श्रीखंड नहीं है, ये मेरे पास श्रीखंड का डब्बा था, जिसके अंदर मैंने बची हुई जो मेरी आइसक्रीम थी जिसके मैंने आपको बोला था वो मैंने इसमें डाल दी थी। तो आपको बताना चाहती थी कि आइसक्रीम जो है मेरी कितनी सारी बनी है, ये देख लीजिए। आप ऊपर तक देख सकते हो, यानी ये डब्बा जो है तकरीबन आधा किलो का डब्बा है, ठीक है। श्रीखंड भी आप लेने जाते हो तो इतना ही मिलता है आपको श्रीखंड, राइट। तो ये जो है लाइक 500 आधा किलो का डब्बा ये मेरा पूरा भर गया, ठीक है। इसके अलावा ये इसकी ये तकरीबन रहेगा एक किलो, एक लीटर के आसपास रहेगा ये डब्बा, क्योंकि आइसक्रीम के डब्बे जो हम लोग लेकर आते हैं वो इतने ही बड़े होते हैं। तो ये एक बन गया, यानी समझ लो एक कप व्हिपिंग क्रीम में मैंने 1.5 लीटर जो है आइसक्रीम बनाई है। सो अभी मैं इसको ओपन करती हूँ। चलो अभी इसको कटोरी यहाँ पे ले लेती हूँ, इसको भी निकालते हैं। तो मेरे पास वो आइसक्रीम निकालने वाला जो स्कूप है वो कहीं ऊपर रखा है, तो मेरे पास इतना भी हाल फिलहाल टाइम नहीं है, और तो मैंने सोचा मैं इस तरीके से इसको निकालूं। और ये इतनी ज़्यादा क्रीमी लग रही है, कांड भी नहीं, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। और ये इतनी सारी आइसक्रीम ना मैं लिटरली खा सकती हूँ। इसको मैं पहले तो बंद करके रख दूँ और इसे करते हैं फिर ट्राई। चलो अभी करते हैं इसको एक ट्राई। सुबह सुबह में आइसक्रीम खाना पड़ रहा है। कमाल की आइसक्रीम बनी है ना, मतलब मुझे कभी कभी खुद ही यकीन नहीं होता है। कि मैं लिटरली घर बैठे बैठे इतनी अच्छी आइसक्रीम कैसे बना सकती हूँ। सो गाइस, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से जो है आप एक बार मैंगो आइसक्रीम बना के देखिएगा। जो बेस मैंने बताया है ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है ट्रेंड में, मतलब आप हर YouTube हर लाइक ना YouTube चैनल पे आप सर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की, या फिर जो एक दो चीज़ें मैंने आपको जो टिप्स बताई है कि आपको इस तरीके से या फिर वैसे ये वो, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है अगर आप ट्राई करते हो तो प्रॉपर आपको जो है इसी तरीके से जो है आइसक्रीम बन के मिलेगी, और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा ये आइसक्रीम में, क्योंकि आप बहुत सस्ते तरीके से बहुत अच्छी और हाइजीनिक आइसक्रीम अपने घर में बना के खा सकते हो। बिकॉज वी डोंट नो कि जब हम मार्केट से कोई चीज़ लेकर आते हैं तो वो किस तरीके से बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें होती है। और अभी आजकल तो बहुत ज़्यादा रील्स आ रही हैं कि इसमें मिलावट हो गई है, उसमें मिलावट हो गई है, इसमें ये चीज़ आ रही है, इसमें वो चीज़ आ रही है, तो वो चीज़ें आप इग्नोर करके आप अगर वही चीज़ों को अगर घर में बनाओगे तो आप कम पैसों में काफ़ी अच्छी बजट की चीज़ें आप बना के खा सकते हो। सो ये आइसक्रीम की
रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरीके से बनी है, एंड फीडबैक जो है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ और मैंगो से रिलेटेड, क्योंकि मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ आम से रिलेटेड जो है रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। ऑल्सो ये जो मैंगो आइसक्रीम जो मैं आज बना रही हूँ ना, तो मैं सबसे पहले तो मेरे को एक्चुअली थैंक्स करना था हमारे कस्टमर हैं सुजन जाड़ करके, उन्होंने बेसिकली तो कहा था कि किसी को नहीं बताना है, बट मुझे लगा कि मुझे उनको एक स्पेशल थैंक्स देना चाहिए। सो ये आइसक्रीम जो है ना, ये उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। सो सर थैंक यू सो मच कि आपने ये आइसक्रीम जो आइसक्रीम बना, मतलब लाइक ये आइसक्रीम मैं जो बना पाई हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे जो है एक बड़ी सी आम की पेटी दी थी, जिसके वजह से जो है मैंने ये दो तीन रेसिपीज कवर कर ली है। सो बेसिकली मैं और चाहती हूँ कि कुछ लाइक रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ आम की, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप और कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। एंड बहुत जल्दी मिलेंगे एक और न्यू रेसिपी के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।